नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने अपने दादा और पिता पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है और लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दादा फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये मामला ग्वालियर के महाराजपुरा थाने के अंतर्गत का है। 14 साल की नाबालिग ने पुलिस को डायल 100 पर सूचना दी कि दादा और पिता ने उसके साथ कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मां की गुजरने के बाद बचपन से ही दादा और पिता उसके साथ में गंदी हरकत करने लगे थे, लेकिन वो 14 साल की थी, इसलिए इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही थी और उसके बाद में अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वो बच्ची छोटी थी सब कुछ सह लेती थी, लेकिन अब वो 14 साल की हो गई है और उसमें थोड़ी समझदारी आई है, इसलिए उसने पुलिस को बताना सही समझा। पुलिस ने बताया कि बच्ची के साथ पिता ने 10 दिन पहले गलत काम किया था, तो दादा ने 18 अगस्त को दोपहर में ज़बरदस्ती की थी। घर वो तीनों अकेले रहते हैं, इसलिए वो किसी से मदद नहीं ले सकी।